में कोई प्रश्न, छोटा प्रश्न करना है। हाँ बिल्कुल। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खनिज विकास निधि में आपने अभी नियम में बताया कि न्यास, अधिशासी न्यास की स्वीकृति से कार्य स्वीकृत होते हैं। 21-22 जो लिखित है उसमें से कितने कार्य ऐसे हैं जो अधिशासी परिषद से स्वीकृत हैं और अधिशासी परिषद से स्वीकृत नहीं है, बिना स्वीकृति के कितने काम करवाए गए? एक प्रश्न। दूसरी बात, ऐसे भी कार्य हैं क्या जो कार्यादेश कर दिए गए हैं और उसकी स्वीकृति अभी भी नहीं ली गई? चलिए बस, काम हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक की तो प्रक्रिया वही है कि अधिशासी परिषद में कार्यों का अनुमोदन लिया जाता है, फिर भी माननीय सदस्य यदि कुछ इनके पास जानकारी है कि बिना अनुमति के हुए हैं। मेरे पास जानकारी है कि नहीं है वो अलग विषय, उत्तर तो आप दे रहे हैं सरकार, इसलिए मैं आपसे आप दंतेवाड़ा तक सीमित रहिए ना। दंतेवाड़ा में ही सीमित हूं मैं कि अधिशासी परिषद से, माननीय मंत्री जी, अधिशासी परिषद से स्वीकृत लेनी। मेरा कहना है कि मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कितने ऐसे काम हैं जो बिना अधिशासी परिषद से स्वीकृति के स्वीकृत किए गए और उसका काम हो गया। एक लाइन पूछा, आपके पास जानकारी है तो बताइए, नहीं है तो नहीं है बताइए, मैं फिर सूची दूंगा आपको। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न लगा हुआ है उसको सुन लीजिए। दूसरी बात, ऐसे कितने काम है जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं, जिसका भुगतान हो गया है और किसके के भुगतान शेष है? चलिए, महोदय, तो पूरे ही काम अधिशासी परिषद के बिना उसके स्वीकृत नहीं होते हैं और मेरा ये मानना है कि पूरे स्वीकृत हुए हैं अधिशासी परिषद के अनुमोदन से ही। अच्छा, अगर नहीं हुए तो आप, यदि मैं आपको सूची दूंगा जो बिना अधिशासी परिषद से स्वीकृत हुए, तो आप जांच करवाएंगे क्या उसकी? बिल्कुल जांच कराएंगे। अरे एक सेकंड, उसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा है। रायमुनि भगत जी, उसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा जवाब दे दिया आपने। एक लाइन, ऐसे कितने काम हैं जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, ये पूछा था। ऐसे काम जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं और जिसका भुगतान नहीं हुआ। जानकारी उपलब्ध करा देना। ऐसे जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, पर आप ठीक करा देना। रायमुनि भगत जी, कोई आपने